करें कि हमने लास्ट टाइम अपने जो हमसे प्रीवियस टॉपिक में क्या चीज़ पढ़ी थी, तो दैट वाज अबाउट द वेपर प्रेशर्स ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस। इसके बेसिकली दो टॉपिक्स थे जो कि हमने स्टडी करने थे। नंबर वन वाज द आइडियल सॉल्यूशंस, के आइडियल सॉल्यूशंस के अंदर वेपर प्रेशर किस तरह से असरअंदाज होगा, और उसको हम जो है वो स्टडी कर रहे हैं अपने प्रीवियस टॉपिक के अंदर। और आई सपोज के उसका कॉन्सेप्ट जो है आपका अच्छा डेवलप हुआ होगा, क्योंकि अगर वो कॉन्सेप्ट ठीक से डेवलप नहीं हुआ होगा तो वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर। आज हम बेसिकली नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में स्टडी करेंगे। अब जो हमारी केस स्टडी होगी वो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में होगी। अब गोइंग बैक टू द प्रीवियस टॉपिक, हमने उसके एंड पे एक टर्म जो है वो जो है डिफाइन की थी, दैट वाज ज़ियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। ऑल द आइडियल सॉल्यूशंस जिनके अंदर लिक्विड लिक्विड आपस में मिक्स होते हैं, दे फॉर्म द ज़ियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। और ज़ियोट्रॉपिक मिक्सचर्स की डेफिनेशन क्या थी, दैट दे डिस्टिल, कि जब भी उनकी डिस्टिलेशन करें वो किस तरीके से डिस्टिलेट होंगे, दे डिस्टिल विद द चेंज इन कंपोजिशन। उनकी कंपोजिशन में फ़र्क आएगा, उनकी परसेंटेज ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो चेंज होंगी जब भी ज़ियोट्रॉपिक मिक्सचर्स हमारे पास डिस्टिलेट होंगे। अब हमारा आज का टॉपिक है चूंकि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन मिक्सचर्स को हम कहते हैं एज़ियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। तो आपको इनकी डेफिनेशन जो सी हैं वो लाजमी तौर पे याद होनी चाहिए, बिकॉज़ अक्सर औकात ज़ियोट्रॉप और एज़ियोट्रॉप्स के अंदर डिफरेंस जो है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। अब एज़ियोट्रॉपिक मिक्सचर्स कौन से होंगे, वो होंगे आपके पास इस डेफिनेशन के ओपोजिट। एज़ियोट्रॉपिक मिक्सचर्स आर दोज मिक्सचर्स विच बॉयल एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। आपके पास कॉन्स्टेंट टेम्परेचर के ऊपर एज़ियोट्रॉपिक मिक्सचर होंगे, और उनकी डिस्टिलेशन कैसे होगी, दे डिस्टिल विदाउट एनी चेंज। उनकी कंपोजिशन में चेंज जो है वो नहीं आएगा वाइल डिस्टिलेशन। आप जब उनकी डिस्टिलेशन करेंगे तो उनकी कंपोजिशन में किसी किस्म का चेंज जो है वो नहीं आएगा, तो दोज मिक्सचर्स आर कॉल्ड दी एज़ियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। अब अगर आप रिकॉल करें, हमने जब राउल्ट्स लॉ को स्टडी करना था उससे पहले हमने आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में डिफरेंस को स्टडी किया था। उसको हम यहाँ पे दोबारा देख लेते हैं कि आइडियल के केस में वॉल्यूम जो है वो ए प्लस बी के बराबर होगा, जबकि आपके पास नॉन आइडियल के अंदर सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो ए और बी के वॉल्यूम के बराबर नहीं होता, या कम या ज़्यादा हो जाता है। सिमिलरली आइडियल सॉल्यूशन कहता था कि नो एन्थैल्पी चेंज, आपके पास हीट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन असल में हीट ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करती है, एंथैल्पी चेंज होता है। तो दीज आर द टू मेन रीजंस जिसके ऊपर आपके पास, और तीसरी जो थी वो राउल्ट्स लॉ, कि आपके पास आइडियल सॉल्यूशंस राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते थे और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते थे। तो दीज वर द पैरामीटर्स जो कि हमें आइडियलिटी ऑफ सॉल्यूशन बताते हैं कि आया कि ये आइडियल है या नॉन आइडियल है, और ये आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। तो अब आपका कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज हो गया अबाउट द एजियोट्रॉप्स और द रीजंस व्हाई द सॉल्यूशंस आर नॉन आइडियल। अब हम चलते हैं इनके कर्व को स्टडी करते हैं और देखते हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन डिस्टिलेशन में कैसा बिहेवियर शो करेंगे। तो इनकी जो सी है ये बेसिकली, अगर मैं वेपर प्रेशर कर्व मैं अगर ड्रॉ करूं विद कंपोजिशन, जो कि हम वोलेटाइल कंपोनेंट के केस में एक ग्राफ पर के आए थे जो कि कुछ इस किस्म का था, कि यहाँ पर हमारे पास कंपोजिशन थी
और यहाँ पर हमारे पास वेपर प्रेशर था, तो हम कहने हमने जो स्टडी किया था वो ये था कि इस तरह की हमारे पास एक टर्म आती, एक स्ट्रेट लाइन आती थी जिसके अंदर ए जो है हमारे पास उसी तरह जो है वो लो बॉयलिंग था और बी हमारे पास हाई बॉयलिंग था। ये हमने पिछले कुछ टॉपिक्स में, एक एक टॉपिक में हमने जब वोलेटाइल लिक्विड्स के ऊपर राउल्ट्स लॉ को स्टडी किया था, तो ये वाला ग्राफ हमने स्टडी किया था। इसी ग्राफ के ऊपर हम बेसिकली डेविएशन देखेंगे कि अगर हमारा आइडियल सॉल्यूशन नहीं रहा, अब सॉल्यूशन हमारा नॉन आइडियल हो गया है, तो किस तरह से उसके अंदर डेविएशन आएगी। तो दो तरह की डेविएशंस जो सी हैं वो हमारा, टू टाइप्स ऑफ डेविएशंस जो कि है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो करता है। नंबर वन इज द पॉजिटिव डेविएशन, एंड नंबर टू इज द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द कर्व। इन दोनों को अब हम जो है वो सेपरेटली जो है वो स्टडी कर लेते हैं। तो पॉजिटिव डेविएशन का क्या मतलब है? अब मैं एक ग्राफ को ड्रॉ करूंगा, दिस इज दैट ग्राफ। कंपोजिशन जो है वो इस तरफ बढ़ रही है, ए हमारे पास 100 है, बी हमारे पास 0 है। स्टार्ट हमने किया विद प्योर ए, ये बढ़ती गई, ए और बी 50% हो गए, बी को हम बढ़ाते गए, ए को हम कम करते गए, और फिर इस एंड पे हम आ गए जहाँ पर ए हो गया 0 और बी हो गया 100%। तो इस एंड के ऊपर बी प्योर है और इस एंड के ऊपर ए प्योर है, और यहाँ पर हमारे पास कर्व है, हमारे पास एक्स वाई एक्सिस के ऊपर हम वेपर प्रेशर को ले रहे हैं, वेपर प्रेशर। यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं ए हमारे पास लो बॉयलिंग है। लो बॉयलिंग का मतलब कि इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, और बी हमारे पास हाई बॉयलिंग लिक्विड है। दोनों वोलेटाइल हैं लेकिन एक का बॉयलिंग पॉइंट कम है और बी का बॉयलिंग पॉइंट ज़्यादा है। अब बॉयलिंग पॉइंट ए का कम है और ये एक ही लाइन है, ये वाली लाइन, क्योंकि ए यहाँ पे प्योर है, बी यहाँ पे 0 है। और लो बॉयलिंग का मतलब कि इसका प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा, तो इसका प्रेशर मैं कहता हूँ जी यहाँ पर आया, ये जो पी आ गया हमारे पास, दिस इज़ पी ऑफ ए, और पी नॉट का मतलब है कि प्योर ए का वेपर प्रेशर होगा ये। अब इस लाइन की तरफ आते हैं, दिस इज़ द लाइन ऑफ बी कंपोनेंट, क्योंकि बी अब यहाँ पर प्योर है और बी चूँकि हाई बॉयलिंग है, और हाई बॉयलिंग का मतलब कि इसका वेपर प्रेशर जो है वो ए के वेपर प्रेशर से कम होगा, तो हम ये वाली लाइन जो है ले लेते हैं, दिस इज़ पी नॉट बी। और जो स्ट्रेट लाइन आएगी वो कुछ इस तरह की होगी, इन दोनों को मैं आपस में ज्वाइन कर दूंगा। उसमें हमने ये स्टडी किया था कि आइडियल जो सॉल्यूशन था उसमें जब हमने ये वाली इस तरह की लाइनें ड्रॉ की थी आपस में, और हमने देखा था कि एक वक्त में किसी भी चीज़ की कंपोजिशन उससे नीचे ही रहती थी, उससे ऊपर नहीं जा सकती थी, क्योंकि मैक्सिमम वेपर प्रेशर जो है वो पी नॉट ए था। लेकिन अब जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है जिसको हम आज स्टडी करने जा रहे हैं, वो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है कि पॉजिटिव डेविएशन में हमारे पास जो कर्व बनती है वो कुछ इस तरह की बनती है, समथिंग लाइक दैट। अब ये कर्व जो है हमारे पास, ये पॉजिटिव डेविएशन हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो वेपर प्रेशर आ रहा है, इस कर्व के अंदर वेपर प्रेशर इज मैक्सिमम, या इसको हम इस तरह से पुट करते हैं कि जो हाई, जो जो टॉप पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट है हमारे पास सी, ये जो वेपर प्रेशर है हमारे पास सॉल्यूशन का, ये ज़्यादा है प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर से भी, ए के भी और बी के भी। तो ये पॉजिटिव डेविएशन शो करवा रहा है, ये कह रहा है जी कि सम ऑफ द सॉल्यूशंस एट सम पॉइंट, कुछ कंपोजिशंस के ऊपर सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो ए और बी के प्योर कंपोनेंट से भी ज़्यादा है। तो दिस इज़ द डेविएशन एंड इट इज़ द पॉजिटिव डेविएशन कि आपका कर्व जो है इस स्ट्रेट लाइन से पॉजिटिवली ऊपर की तरफ से जो है वो मूव होगा।
अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी आपके पास, हम इस सॉल्यूशन को डिस्टिलेट करेंगे, इसकी डिस्टिलेशन करेंगे हम, तो क्या होगा? द फर्स्ट फ्रैक्शन विल बी अ कॉन्स्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर। जो पहली चीज़ हमारे पास मिलेगी, फर्स्ट फ्रैक्शन। हमें बेसिकली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में डिफरेंट फ्रैक्शंस मिलती हैं लिक्विड्स की, तो फर्स्ट फ्रैक्शन के अंदर क्या होगा? वो हमारे पास एक कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कॉन्स्टेंट बॉइलिंग का मतलब है कि एक ही बॉइलिंग पॉइंट, ये जो सी है, ये जो मैक्सिमम वाला पॉइंट है, ये जो हमारे पास ये वाला पॉइंट है, इसके ऊपर हमारे पास इसकी कंपोजिशन जो है वो सेम रहेगी, कंपोजिशन चेंज नहीं होगी। और हमने इस चैप्टर, इस टॉपिक के स्टार्ट में ये बात की थी कि एजियोट्रॉप्स वो होते हैं जिनकी डिस्टिलेशन के वक़्त उनकी कंपोजिशन चेंज नहीं होती। तो इस मैक्सिमम पॉइंट सी के ऊपर ये कंपोजिशन यहाँ पर जो भी है वो सेम रहेगी, हमें कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर जो सा है वो मिलेगा। अब इस तरह के सॉल्यूशंस के अंदर क्या होता है? ये तो पॉजिटिव डेविएशन थी, आपको समझ आ गई कि एक ऐसा पॉइंट अचीव हो जाता है जहाँ पे वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट से भी बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है, और वहाँ पे जो फ्रैक्शन मिलती है वो कॉन्स्टेंट कंपोजिशन वाली फ्रैक्शन होती है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा होता। फिर वो ये कहता है जी कि इट इज़ नॉट पॉसिबल। टू कंप्लीटली सेपरेट, द सॉल्यूशंस, वो कह रहे जी कि ए और बी को जो है हम कंप्लीटली सेपरेट नहीं कर सकते इन दीज केस ऑफ सॉल्यूशंस, इन दीज टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। और उसकी वजह यही है कि आपके पास क्या हो रहा है, आपको कांस्टेंट कंपोजिशन वाली फ्रैक्शन मिल रही है। मतलब क्या कि आपने सिस्टम को डिस्टिलेट जब किया, पूरे प्रोसेस में से गुजारा डिस्टिलेशन के, तो आपको जो फ्रैक्शन लिक्विड की मिली उसके अंदर ए भी मौजूद है और बी भी मौजूद है, कॉन्स्टेंट कंपोजिशन है ए की भी और बी की भी, तो आपकी चीज़ तो सेपरेट नहीं हुई, तो आपका प्रोसेस जो है वो इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होगा और हम उसको कंप्लीटली सेपरेट नहीं कर सकेंगे। इसकी एग्जांपल आपके पास है जी एथानॉल प्लस वाटर की। एथानॉल और वाटर का जो कंपोजिशन है वो हमारे पास C2H5OH प्लस वाटर, ये कंपोजिशन जो है हमारे पास, ये पॉजिटिव डेविएशन शो करती है। अब अगर मैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है जी आपके पास 100 डिग्री सी, और आपके पास इसका जो है वो है हमारे पास 78.5 डिग्री सी। अब हमने ये ग्राफ के अंदर ये बात की कि एक पॉजिटिव डेविएशन आती है। ये जो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है कि यहाँ पे वेपर प्रेशर मैक्सिमम है, किससे? वाटर के वेपर प्रेशर से और एथेनॉल के वेपर प्रेशर से। अब इन दोनों को जब हम डिस्टिलेट करते हैं तो डिस्टिलेशन होती है 78.1 डिग्री सी के ऊपर। अब पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है कि वेपर प्रेशर इसके वेपर प्रेशर से भी ज़्यादा है, इसके वेपर प्रेशर से भी ज़्यादा है, और इसका मतलब है कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, ये वेपर प्रेशर उन दोनों बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर को शो कर रहा है। तो यहाँ पे हम जब देखते हैं कि वाटर और एथेनॉल के सिस्टम को जब हम डिस्टिलेट करते हैं तो वो 78.1 के ऊपर होता है, विच इज़ लेसर देन प्योर एथेनॉल के बॉइलिंग पॉइंट से और प्योर वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से। तो ये पॉजिटिव डेविएशन की एक एग्जांपल थी। अब आप इसको इससे कंफ्यूज नहीं करेंगे कि पॉजिटिव डेविएशन में तो वेपर प्रेशर तो ये ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ पे ये कम हो गया है। क्यों? पॉजिटिव डेविएशन है वेपर प्रेशर की, और वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का आपस में उल्टा रिलेशन होता है। हम कहते हैं जी लो बॉइलिंग लिक्विड है, तो इसका मतलब है इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? हाई होगा। तो ये ज़्यादा वेपर प्रेशर का मतलब है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों के प्योर बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा, और ये हमें यहाँ पे शो कर रहा है। तो दिस वॉज द फर्स्ट केस इन द नॉन आइडियल सोल्यूशन के वेपर प्रेशर में कि पॉजिटिव डेविएशन जो होती है वो कैसे अमल में आती है। सिमिलरली इसके उलट हो जाएगी हमारे पास नेगेटिव डेविएशन। सिमिलरली हम क्या करते हैं, हम उसी ग्राफ के अंदर स्ट्रेट
स्टडी करते हैं, यहाँ पे कंपोजिशन बढ़ रही है, ए इज 100%, ये ए की लाइन है, बी ज़ीरो, बी सॉरी ज़ीरो, और यहाँ पर हमारे पास ए हो गया 0 और बी हो गया जी 100%, एंड दिस इज़ दी लाइन। ये हमारे पास प्योर बी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर और ये हमारे पास प्योर ए कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, यहाँ पर हमने वेपर प्रेशर जो है वो लिया हुआ है। अब हम इसको जब स्टडी करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ जो है वो शो करेगी। ये एक नेगेटिव डेविएशन आएगी, उसमें आती थी जी पॉजिटिव डेविएशन, ये जो रफ लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ दिस वाज द पॉजिटिव डेविएशन, एंड जो कांस्टेंट लाइन है ये वाली दिस इज व्हाट वी आर स्टडिंग, जो कि है जी नेगेटिव डेविएशन। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपके पास अगर मैं सपोज करूँ इस पॉइंट को जो कि ई है, तो इस ई की अगर मैं कंपोजिशन देखूँ तो यहाँ से मेरे पास पता ये चल रहा है कि ई के अंदर मोर वोलेटाइल कंपोनेंट जो कि ए है वो एक्सेस में है, वो ज़्यादा है, जाहिर सी बात है ई इज़ ग्रेटर इस पॉइंट के ऊपर, ए इज़ ग्रेटर देन बी। जबकि इसको मैं डिस्टिलेशन करूँगा जब इसकी, तो वेपर विल कंटेन मोर ऑफ ए, जाहिर सी बात है कि वेपर जो है आपके पास उसके अंदर ज़्यादा कंपोजिशन होगी ए की, क्यों, क्योंकि ए इज़ अ लो बॉयलिंग, लो बॉयलिंग है तो वेपर ज़्यादा बनेंगे और रिक्वायर्ड टेम्परेचर के ऊपर उसकी डिस्टिलेशन जब हम करेंगे तो ए की वैल्यू जो है वो, ए के वेपर जो होते हैं वो ज़्यादा होंगे। अब आप इसकी डिस्टिलेशन करते रहे और हम जो है एक मैक्सिमम टेम्परेचर पर पहुंच गए, एक मिन उसके ऊपर पहुंच गए जो कि मिनिमम पॉइंट था जिसको हमने डी का नाम दिया। अब इस डी के ऊपर जो है वेपर प्रेशर इज मिनिमम। इस मिनिमम का क्या मतलब है कि इसको जब मैं बॉइलिंग पॉइंट्स में लेके जाऊंगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इस वेपर प्रेशर मिनिमम वाले पॉइंट के ऊपर बॉइलिंग पॉइंट विल बी दी मैक्सिमम। अभी हमने बात की कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन उलट है, तो इस पॉइंट डी के ऊपर वेपर प्रेशर मिनिमम है और बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा इस सिस्टम का मैक्सिमम, और इस पॉइंट के ऊपर अगेन आपके पास जो डिस्टिलेट आपको मिलेगा उसकी कांस्टेंट कंपोजिशन होगी। तो हम इन टाइप्स ऑफ नेगेटिव डेविएशन को भी हम कंप्लीटली सेपरेट नहीं कर सकते, जैसे हम पॉजिटिव वालों को नहीं कर सकते थे कि पॉजिटिव में क्या होता था, इस पॉइंट के ऊपर हमें कांस्टेंट कंपोजिशन मिलती थी, सिमिलरली इस पॉइंट के ऊपर भी हमें कांस्टेंट कंपोजिशन मिलेगी और ये पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो है ये मैक्सिमम वाला पॉइंट होगा। अब चूंकि आपने एक सिस्टम को डिस्टिलेट किया और आपके पास जो रेजिड्यू या डिस्टिलेट मिला आपको सिस्टम में से गुजरने के बाद, उसके अंदर ए और बी दोनों मौजूद थे, तो आपकी डिस्टिलेशन किसी काम की नहीं, आपकी सेपरेशन पॉसिबल नहीं हुई, आपकी सेपरेशन कंप्लीट नहीं हो सकी। तो ये इस वजह से हमारे पास जो रियल सॉल्यूशंस होते हैं या जिनको हम नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कहते हैं या जिनको हम एजियोट्रॉप्स कहते हैं, वो हमारे पास कांस्टेंट कंपोजिशन देते हैं डिस्टिलेट होते हुए, और यही हमारे पास उनमें फ़र्क था कि एजियोट्रॉप्स वो होते हैं कि जब डिस्टिलेशन हो तो उनकी कंपोजिशन चेंज ना हो, तो यही हमने दोनों कंडीशंस में देखा, नेगेटिव डेविएशन में भी और पॉजिटिव डेविएशन में भी। अब हम चलते हैं इसकी एग्जांपल की तरफ, जो कि हम इसकी एग्जांपल है आपके पास वाटर और एचसीएल। वाटर और एचसीएल आपस में कंप्लीटली मिक्स होते हैं बट दे आर एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स क्या मतलब है इसका कि इनका जो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा, अभी हमने नेगेटिव डेविएशन शो की, नेगेटिव डेविएशन में एक पॉइंट आता था जहाँ पे वेपर प्रेशर मिनिमम हो जाता था ये वाला, और इस वेपर प्रेशर मिनिमम का मतलब है उनका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होता था। तो आपके पास वाटर और एचसीएल का जो बॉइलिंग पॉइंट आता है 110 डिग्री सी, और 110 डिग्री सी HCl के बॉइलिंग पॉइंट से भी ज़्यादा है और वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से भी ज़्यादा है, और भी मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास जो है एक एग्जांपल थी नेगेटिव जो है डेविएशन की इन टर्म्स ऑफ दी एजियोट्रॉप्स। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स की डेविएशन देखी वेपर कंपोजिशन कर्व से। तो यहाँ तक जो है हमने अपने चैप्टर का मेजर हिस्सा जो है वो कवर कर लिया। अब हम मज़ीद एक नए टॉपिक की तरफ जाएंगे जो कि नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करेंगे।